करते ही रहते लोग, मत रो यार। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ बैड कमेंट्स, जिनको पढ़ने के बाद मैं रोने लगती हूँ, सदमे में छिल जाती हूँ और कई कई दिनों तक तो खाना भी नहीं खाती। लेकिन आज मैंने हिम्मत करने की बात सोचा कि ठीक है यार, पढ़ लेते हैं जितने भी बैड कमेंट्स आए हैं, क्या हो जाएगा, देखते हैं किस किस ने क्या क्या लिखा है मेरे लिए। फर्स्ट कमेंट है हमारा, तुम लोगों की वीडियोस हमेशा इतनी गंदी होती है, इतनी बुरी एक्टिंग करते हो, मेरी मानो तो वीडियोस बनाना बंद कर दूं, मैं तो इतनी गंदी एक्टिंग देख देख कर थक गई। अरे यार, मुझे तो पहली बात ये समझ नहीं आता कि जब आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप देख क्यों रहे हो, जब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, मेरी शक्ल पसंद नहीं, मेरी वीडियो पसंद नहीं, कुछ भी नहीं पसंद, तो आप देखते क्यों हो डियर? क्योंकि आपका मानना तो मैं सुनने नहीं वाली हूँ और मैं वीडियोस बनाना बंद करने नहीं वाली हूँ, तो प्लीज आप बोलते रहो और मैं बनाती रहूंगी। और जैसी आपकी थकान और आपकी इतनी सारी शिकायतें हैं वो सोचकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ महीनों का रेस्ट चाहिए, तो आप रेस्ट करो और मैं वीडियोस बनाऊंगी। दूसरा कमेंट हमारा है, तुम इतना मेकअप लगाती हो ठीक लगती हो, वरना तुम्हारी औकात नहीं कि तुम रियलिटी में भी अच्छी लगो। आई श्योर तुम विदाउट मेकअप बहुत बुरी लगती होगी। लोगों को मेरे मेकअप से बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, क्या ये लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ये लोग मुझे मेकअप खरीद के देते हैं? क्या करूं, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती, मेरी औकात नहीं है ना कि मैं रियलिटी में भी अच्छी लगूं। रियलिटी चल रही है ये क्या मतलब होता है? अगर मैंने मेकअप लगा रखा है तो क्या हो गया यार? और मुझे नहीं लगता कि किसी को मेकअप के लिए किसी भी चीज के लिए जज करना चाहिए, आप होते कौन हो? और अगर मैं मेकअप लगा रही हूँ, कितना भी लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ, कोई और लड़की लगा रही है, ना मैं किसी को बोल सकती हूँ ना कोई मुझे बोल सकता है। और वैसे भी ऐसे कमेंट जो आते हैं वो सबसे ज्यादा लड़कियों के आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन लोग ऐसे जज कर लेते हैं कि विदाउट मेकअप बुरी लगती होगी तभी मेकअप लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो मेकअप लगाते हैं, यार लड़कियां नहीं लगाएंगी तो कौन लगाएगा? और अगर मैं मेकअप करके सामने आ रही हूँ आपके, तो वो मतलब ये है कि अगर मैं सामने हूँ, ऑन कैमरा हूँ, तब मेकअप करके हूँ। क्या आपने मुझे घर में देखा कि मैं कैसे रहती हूँ? नहीं। अगर कोई मुझसे सब्सक्राइबर्स मेरे मिलने आते हैं तो उनको दिख जाता है कि मैं घर में कैसे रहती हूँ, तो यार अगर मैं आपके सामने आ रही हूँ तो मेकअप करके आ रही हूँ, वो मेरी ही बात है, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी दिखूँ तो इसलिए मेकअप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा, तू तो एक नंबर की बतमीज है, तेरे से लाख गुना अच्छा है तो पायल जोन है, कम से कम हम सबको हंसाती तो है, तू तो बोर कर देती है और इतना मेकअप भी करती है, पायल जोन तो बिना मेकअप के सुंदर दिखती है, तू बदसूरत है। यार कितना ज्यादा बिल्कुल बड़ा दिल से लिखा हुआ हेट कमेंट किया है कि बिल्कुल जितना बुरा बोल सकते बोल दो, और ये कोई पायल जोन का ही सब्सक्राइबर है कोई शायद, जो इतना वो कर रहा है, क्योंकि मैंने पायल जोन पे एक वीडियो बनाई थी अपनी रोस्टिंग वाली शायद, अच्छा उसी पे आया है ये कमेंट। पायल जोन के फैंस पहले नाम तो उसका सही से लेना सीख लो, पायल जोन बोल रहे उसको। और जैसे कि पायल जोन ने खुद ही कहा था कि सामरी नली जो है वो बहुत मेकअप करती है, तो हाँ मैं करती हूँ, और वो तो मेकअप करती नहीं है, बिना मेकअप कितनी अच्छी लगती है, तो हाँ है यार वो अच्छी मेरे से, क्या करूं मैं, और वो तो यूट्यूब की रानी है, रानी। और जैसे कि इसको सारे यूट्यूबर्स पसंद नहीं है, उनमें से मैं एक हूँ, वो सुंदर दिखती है, मैं बदसूरत दिखती हूँ, चलो मान लिया कि उसकी शक्ल सुंदर है, लेकिन उसकी जबान तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि उस पे थोड़ा वो मेकअप कर ले तो फिर थोड़ी ठीक लगेगी। और ये जो कह रहे हैं कि समरीन गंदी समरीन वीडियो बनाना बंद कर दे, ये जो लोग मुझे कहते हैं अपने उस पे चलाते हैं बिल्कुल कि चल बंद कर, हट निकल चल, ये क्या है भाई, क्या मैं किसी की उंगली पे नाचने वाली लग रही हूँ आपको? किसी इसके फैन ने बोल दिया कि चल अब बंद कर हट, तो क्या मैं बंद कर दूंगी? छोड़ो, वैसे मुझे इन लोगों से फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे, और ये कौन सा उसका कोई फैन था इसलिए इसने बोला मुझे ऐसा। अगला कमेंट है आदित्य कुमार का, वीडियो है प्लीज अपना चैनल डिलीट कर दो, इससे यूट्यूब में एक पागल का चैनल तो हटेगा ना और बोझ कम होगा। पहली बात तो ये टट्टी वीडियो नहीं है, मैं अपनी वीडियोस को बहुत अच्छा समझती हूँ, वैसे तो मेरी वीडियो नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोच जरूर आप जो यूट्यूब का बोझ कम करना चाहते हो, आपको भाई आप कौन हो भाई यूट्यूब के, जो आपको इतनी बड़ी है कि अगर मेरा चैनल हट गया तो यूट्यूब का बोझ कम हो जाएगा, भाई मैं कर क्या रही हूँ यार। और मिस्टर आदित्य कुमार, मैं अपना चैनल डिलीट करने वाली तो नहीं हूँ, आप क्या कर सकते हो ये बताओ, मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इस पे कमेंट जरूर करोगे, लेकिन मैं नहीं करने वाली डिलीट, क्योंकि मैं यूट्यूब का बोझ और बढ़ाना चाहती हूँ, कम नहीं करने वाली, और अपनी को अपने पॉकेट में रखो। अगला कमेंट है हमारा मुनमुन दत्ता ऑफिशियल, तारक मेहता की मुनमुन दत्ता का कमेंट आया मुझे, लेकिन बबीता जी मुझे हेट कमेंट क्यों कर रही है? अभी कॉल लगाकर पूछती हूँ। हेलो बबीता जी, जेठालाल अंकल आपको क्या हो गया, आपने मेरी वीडियो पे इतना हेट कमेंट कैसे कर दिया? वो तो मेरी बबीता ने लिखा होगा। बबीता आंटी, आप पहले बबीता आंटी को कॉल दो। बबीता आंटी आपको क्या हो गया? निकल यहाँ से, सबसे गंदी वीडियो होती है तेरी, चल फोन काट।
यार। ये बबीता जी को क्या हो गया? ये तो बबीता जी नहीं लग रही, एक मिनट सही से देखती हूँ। अच्छा तो ये तो कोई और ही है भाई, बस नाम इनका रख रखा है। तो चलो इनका कमेंट पढ़ते हैं। ओ हेलो, ओवर एक्टिंग की दुकान। और हाँ, मैं कोई आपकी हेटर नहीं हूँ, बस आप ओवर एक्टिंग करते हो। मैं कोई आपकी हेटर नहीं हूँ, बस आप ओवर एक्टिंग करते हो। ओवर एक्टिंग करते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर 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 ओवर। तो मुनमुन दत्ता ऑफिशियल से तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपने तो अपने दिल की बात जो है वो ऐसे कही है जैसे कि ये मुझे हेट भी कमेंट नहीं लग रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने हेट का तड़का भी डाल दिया, और उधर से आप ये भी बोल रहे हो कि मैं आपको हेट नहीं करती। मतलब समझे दया? मतलब है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दत्ता आपके पास दिमाग तो बहुत है वैसे, बुरा भी बोल दिया और बुरे दिखे भी नहीं। अगला कमेंट मुझे आया है ब्लैक पिंक की तरफ से, मतलब ब्लिंक, ब्लैक पिंक ब्लिंक आरजू। हाउ, इन्हें कमेंट बहुत ही बुरा यार। मैं पढ़ूं तुम्हारे लिए? क्या तुम नहीं पढ़ सकती? हो गया यार, रो मत यार, बुरा तो कमेंट करते ही रहते लोग। मत रो यार, जवाब दो। वैसे गाइस सच में ये बहुत बुरा कमेंट है, मतलब थोड़ा सा अजीब है, और जिसका मुझे बहुत दिल पे लग रही है चीज। वैसे हेट कमेंट्स तो बहुत ही कम आते हैं अब, लेकिन पहले जितने आते थे तो पहले मैं बहुत नोट करती थी, अभी भी देखती हूँ जब, तो बहुत मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कोई भी अगर पढ़ेगा तो उसको तो अंदर से बुरा लगेगा ही, लेकिन ये वाला कमेंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे दी, आपकी तो कैची 3 मिलियन पर ही अटकी हुई है यार। दी, आई एम नॉट योर हेटर बट दिस इज जोक्स, इमेजिन गेटिंग हार्ट फ्रॉम समनी दी। तो हेट कमेंट नहीं है ये, लेकिन इन्होंने मुझे सच बता दिया मेरा। लेकिन वो 3 मिलियन जो है वो मेरे लिए सब कुछ है, और बहुत मुश्किल से हुए हैं, बहुत ही बहुत मेहनत करने के बाद हुए हैं। ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से हुए हैं इतने लोग जो भी है, तो मैं इनको कम नहीं समझूंगी। 3 मिलियन लोग मतलब 30 लाख लोग होते हैं, और अगर इससे आगे भी नहीं बढ़ी मैं तो इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ कि 30 लाख लोग हैं। और मेरी कैची जो आपने कहा कि 3 मिलियन पर अटकी हुई है, तो ये बात तो मैं मानती हूँ कि हाँ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये जो 3 मिलियन लोग हैं इनकी वजह से मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। जैसे कि अभी मुझे नेशनल ज्योग्राफिक ने फीचर किया था, और वो भी उनका आर्टिकल आया था उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, जिसपे कितने फॉलोअर्स अगर आप लोग खुद भी जाकर देखोगे तो देख सकते हो, और उनके वेबसाइट के होम पेज पे मेरा पूरा आर्टिकल आया है जिसपे आप मेरे बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा है। तो वो सब चीजें होती है, बहुत बड़ी चीजें जो कि अब इंटरनेशनली हो रही है, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 क्रिएटर के साथ उन्होंने ये किया था, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी मैंने ब्लॉग पे दिखाया था वैसे कि क्या क्या हुआ था। तो अगर ये कैची यहाँ पर अटकी है तो यार वो मैं कहीं और से तो आगे बढ़ी रही हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। हाँ तो अभी मैं ये सब चीजें सोचती रही हूँ, लेकिन जब कोई ऐसे बोल देता तो फिर थोड़ा सा दिमाग में ये चलता है कि हाँ यार ऐसा है, ऐसा चल रहा है, और क्यों है ऐसा पता नहीं। तो ठीक है छोड़ो, अब हम अगले कमेंट पे चलते हैं। अगला कमेंट है हमारा, औरतों की आदतें इतनी जल्दी आ गई तुम पे और बहुत ओवर एक्टिंग करती हो। आई एम नॉट अ हेटर बट द रियलिटी इज द रियलिटी, ड्रामे फिल्मी देख के सीखती हो। औरतों की आदत आ गई, मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं लड़की हूँ तो औरतों की आदत ही आएंगी, या मर्द की आदत तो नहीं आ जाएगी, और वो अच्छी बात है कि मैं औरतों की आदत आ रही है। यार कैसी ऐसी बात लिख देते हैं लोग, और वो सब कुछ बुरा बोल के ये बोल देंगे आई एम नॉट अ हेटर। क्या चाहते हैं यार सच में? बट तुम ओवर एक्टिंग करती हो, ओवर एक्टिंग तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कि ओवर एक्टिंग करती हो तुम, ओवर एक्टिंग करती हो, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं करती हूँ ओवर एक्टिंग। तो यार आप लोगों को क्यों लगता है यार कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ? मैं तो इतनी अच्छी एक्टिंग सीख कर आई हूँ, एक्टिंग क्लासेस लेती हूँ, तब भी ओवर एक्टिंग कह देते हैं यार सब के सब मुझे। यार मैं क्या करूँ, मैं करती हूँ ओवर एक्टिंग, आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। और ये जिन्होंने कमेंट किया इनको नहीं देखना तो प्लीज मत देखो, जाओ। अगला कमेंट है नुसरत जबीन का। जबीन, मैं जबीन की बहन नुसरत जबीन, ये कौन नुसरत जबीन आ गई है? जमीन नहीं, जबीन। मैं जबीन अली की बहन नुसरत जबीन अली, और अब मुझे सच पता चल गया, और आप लोगों को भी आज सच पता चल गया कि मैं जबीन अली की एक और बहन है नुसरत जबीन, क्योंकि मुझे हेट कमेंट कर रही है पागल पागल समरीन, इतना एटीट्यूड ऑफ। किस किस को जवाब दूं मैं, किस किस को समझाऊं यार, मुझे नहीं समझ आता। मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ हंसू खेलू बाहर जाऊं अकेले जाऊं किसी और के साथ जाऊं आपको क्या? और अगर आप लोगों को पता है कि मैंने किसका डायलॉग कॉपी कर लिया है तो बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी, वैसे पता ही होगा। अगला कमेंट है हाजी जान मोहम्मद का, क्यों होवे हम एक्साइटेड, पागल वागल है दिमाग में भिस भरा हुआ तेरे, जब देख ली वीडियो बार कटती रह गई, वीडियो देख लो, व्यूअर्स नहीं आते ना वीडियो पे, इसलिए तेरा यो हाल है। समनिंदी इट्स अ प्रैंक, बुरा मत मानना, सॉरी। समनिंदी इट्स अ प्रैंक, बुरा मत मानना, सॉरी। बस एंड में सब लोग यही बोल दो मुझे,
कितने तेज लोग हैं ना यार, ये लोग जो मुझे बुरा बोल के फिर इतना अच्छा बना देते हैं कि सॉरी 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 गलती से बोल दिया। पहली बात तो आपसे अंकल आंटी, अंकल या बच्चा जो भी है कोई भी, आप थोड़ी सी अपनी टाइपिंग सही कर लो ताकि अगली बार जब आपका कोई बैड कमेंट आए तो मैं अच्छे से पढ़ सकूं। और आपके दिमाग में, शायद आपके दिमाग में भिस भरा होगा, मेरे दिमाग में तो नहीं है जो मैं सही से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ आपकी टाइपिंग। और विवस नहीं आते हैं, विवस तो मेरी वीडियो पे नहीं आते, आप तो विवस दे सकते हो मुझे। और क्या यार, ये सब बोलने के बाद मुझे प्रैंक बोल दिया, अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। सॉरी, जो भी हो आप, बुरा मत मानना, सॉरी। और अगला कमेंट है डांस विद बोरोनिया का। मैं जबीन अली, मैं जबीन अली से, ब्लैक कलर के कपड़े क्यों बंद है? अगर ब्लैक पहनते हैं तो कितनी गंदी गंदी ड्रेसेस क्यों पहनते हैं जैसे लड़के पहन रहे हैं? आई डोंट लाइक मजमीन, आई लाइक समरीन अली। बात तो आप मेन जबीन और माजमीन को अलग अलग मत समझिए, और ये दोनों तो मेरी बहन है भी नहीं। आप किसके बारे में बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मजामीन और मेन जबीन कौन? कुछ भी यार, पहले आप नाम तो सही लेना सीख लो। और वो चाहे ब्लैक ड्रेस पहने या कोई भी ड्रेस पहने, आपको क्या? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले रीडिंग बैड कमेंट्स की, बहुत जब मैं छोटी थी और जब मुझे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स आते थे तब मैंने पढ़ के बनाया था। तो मैंने सोचा एक और बनाया जाए और देखे कि मुझे और कितने लोग अभी हेट करते हैं। तो ये हेटर्स को साइड रखकर मैं अपने प्यारे प्यारे सैम स्कॉट को सामने लाऊंगी, जो कि मुझे इतना प्यारा प्यारा बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो उनके कमेंट्स तो अलग ही होते हैं यार। तो देखो, जैसे कुछ लोग हेट करते हैं, उन चीजों को साइड रखकर हम ये चीज देखें तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। वो सारी चीजें मैं भूल जाती हूँ जब मैं कुछ एक भी चीज ऐसी पढ़ लेती हूँ आप लोगों की अच्छी अच्छी, ऐसे जो कुछ भी लिखते हो आप। तो गाइस, बस यही थे मेरे कुछ हेट कमेंट्स, और अगर मैं निकालने के लिए बैठूं तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ निकाले और आप लोगों के सामने दिखा दिया। और वैसे मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं ये चीजें ज्यादा बिल्कुल नोटिस करके देखती हूँ कि मुझे कौन कौन हेट कमेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं देखती। और ना किसी को पढ़ना चाहिए, आप सिर्फ अपनी अच्छी चीजें देखो और नेगेटिविटी से दूर रहो। जितना आप देखोगे आपको डीमोटिवेशन होगी। तो मैं तो अपने आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि और वीडियोस बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। तो बस यही पर खत्म होती मेरी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।